कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता और भिंड विधानसभा क्षेत्र के वरिष्ठ नेता डॉक्टर अनिल भारद्वाज ने भाजपा पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि भाजपा का हिंदुत्व विरोधी चेहरा उजागर हुआ है। बीजेपी हमेशा से ही दलितों और विशेष रूप से वाल्मीकि समाज से घृणा करती है। अनिल भारद्वाज ने बताया कि आज पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम में भाजपा के पूर्व राज्य मंत्री सुनील वाल्मीकि के घर तीन मंडल के कार्यकर्ताओं का लाइव प्रसारण आयोजित हुआ, लेकिन वाल्मीकि समाज के नेता के घर कार्यक्रम होने की वजह से वहां उनके समाज के अलावा कोई नहीं पहुंचा। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि इससे स्पष्ट होता है कि भाजपा के नेता छुआछूत की राजनीति करते हैं। ये उनका हिंदुत्व की राजनीति करने वाला भेदभावपूर्ण असली चेहरा बेनकाब हुआ है। वरिष्ठ नेता ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर तंज कसते हुए कहा कि संघ स्पष्ट करे कि क्या उनकी विचारधारा में ये शामिल है, क्या संघ भाजपा से अपना समर्थन वापस लेगी, या फिर वाल्मीकि समाज और दलित समाज का अपमान करने वाले भाजपा नेताओं पर कार्रवाई करेगी। स्थिति वहाँ की जानकारी मिली है तो वहाँ पे जो है सुनील वाल्मीकि जी हमारे भिंड के भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता है, जो पहले से राज्य मंत्री का उन्हें दर्जा प्राप्त था, ऐसे वजनदार व्यक्ति के यहाँ अगर कार्यक्रम आयोजित किया गया था, वो भी प्रधानमंत्री का मन की बात लाइव कार्यक्रम, और उसमें भारतीय जनता पार्टी के अन्य लोग नहीं गए, क्या इसलिए नहीं गए? मेरा ये प्रश्न बनता है कि वो दलित थे, क्या वो वाल्मीकि समाज से आते थे, तो ये वाल्मीकि समाज के लोग इकट्ठे हुए, ये लोग नहीं गए। निश्चित तौर पे इससे स्पष्ट हो गया है कि देश की आज़ादी के 70 साल बाद भी भारतीय जनता पार्टी के लोग आज भी भेदभाव की राजनीति करते हैं, ये भेदभाव समझते हैं। जबकि वास्तविक रूप से ये मैं कहता हूँ ये कोर खुल रही है, ये राजनीतिक हिंदू है, इन्हें केवल राजनीति के लिए हिंदुवादी विचारधारा की बात करते हैं, वास्तविकता से आज इन्हें भेदभाव नहीं करना चाहिए। मेरा संकट सीधा सीधा प्रश्न है, क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग हिंदुवादी विचारधारा में भेदभाव की राजनीति करते हैं दलितों में?